भाजपा प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव में शपथ पत्र बनवा रही है कि मैं पार्टी की पीठ पर छुरा नहीं घोंपूंगा, मैं पार्टी को धोखा नहीं दूंगा। ये शपथ पत्र पार्टी की अधिकृत बैठक में बनवाया जा रहा है। उन्होंने कहा, कमलनाथ क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता बिकाऊ हैं या धोखेबाज हैं? यदि ऐसा है तो उन कार्यकर्ताओं की बैठक क्यों ले रहे हैं? कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में दोष ढूंढने की बजाय आप अपनी कार्यपद्धति व नेताओं में दोष ढूंढें। आखिर क्या कमी है कि लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? कार्यकर्ता निर्दोष होता है और जनता जनार्दन होती है, इसको कमलनाथ कब सीखेंगे? कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशियों से शपथ पत्र भरवा रही है। क्या भरवा रही है कि साहब मैं पार्टी की पीठ पे छुरा नहीं भोंकूंगा, मैं पार्टी को धोखा नहीं दूंगा, मैं बिकूंगा नहीं, और ये लोग अधिकृत बैठक में ये शपथ पत्र भरवा रहे हैं। ऐसे क्या कांग्रेस बच पाएगी? कमलनाथ जी, क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता बिकाऊ हैं, धोखेबाज हैं? और यदि ऐसा है तो आप उनकी बैठक क्यों ले रहे हो? आप उनको टिकट क्यों दे रहे हो? तो कहीं ना कहीं आप कार्यकर्ताओं में दोष ढूंढने की बजाय आप अपनी कार्यपद्धति और नेताओं में दोष ढूंढिए कि आखिर क्या कमी है कि लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। कार्यकर्ता निर्दोष होता है और जनता जनार्दन होती है, इसको कब सीखोगे महाराज? तो कमलनाथ जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार से आप एक राजनीतिक कार्यकर्ता का अपमान न करें।